हेलो गाइस, वेलकम. मायसेल्फ संजीव पांडे, और यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही मेरे दिल के करीब हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, और आपके चहीते श्री अमरीश जी. यस सर, थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने बारे में. हेलो सर, थैंक यू सो मच सर। और एडू मंत्रा के चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं और सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट। और काफी अच्छे से आप कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है आपका। एक आप जो बचा हुआ है सर के थ्रू, वो भी चीजें सर के मार्गदर्शन में जो टीचर हैं वो भी आपको अच्छा पढ़ा रहे होंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं सर के प्लेटफॉर्म पे आया और कुछ बातें जो सर ने कुछ सवाल होंगे मेरे लिए रखे होंगे उसका मैं सही से जवाब दे पाऊँ। सर, काफी सवाल हैं जो बच्चे जो है मतलब अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, और मैंने उसमें से मतलब जो बहुत बढ़िया वाले सवाल है आपके लिए रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आप जो है अपने तरीके से, बिकॉज आप बहुत मोटिवेशन, मैंने देखा है आपका, मैं काफी टाइम से देखता हूँ, बहुत जबरदस्त मोटिवेशन होता है, तो आप अपने तरीके से इसको आंसर करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है, बच्चों को पसंद आएगा. ओके, सो सर जी, मैं चाहूंगा कि आप जो है कुछ बच्चों के सवाल हैं, ठीक है, जो मतलब मैंने कुछ बच्चों के जो मेरे आसपास में मेरे से कनेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं, तो ये राइट। मैं ये समझता हूँ कि ये जनरली भी काफी बच्चों के लिए ये क्वेरीज हैं जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है. ओके जी ओके, सर, बिल्कुल तो शुरू करें सर. श्योर 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 बिल्कुल सर। ओके, तो सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल पूछा है ना सर, ये है कि जैसे आप भी टीचिंग बैकग्राउंड से कनेक्टेड रहे हो, ठीक है, जी तो हाँ हाँ, तो उस हिसाब से मतलब आपको मतलब बच्चों के अंदर जैसे एज अ स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड रहे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम मतलब कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या कहीं किसी की स्पीच सुनते हैं तो मोटिवेशन रहता है, और थोड़ी टाइम में ये एक दो दिन में वो चीज चली जाती है, तो हमेशा कैसे उसको मोटिवेटेड राइट रहें वो हमको बताइए सर. देखिए, थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको डिटेल करूंगा कि ये जो एज जनरेशन, जो ये एज ग्रुप है ना, टाइम लाइक अगर मैं बात करूं 15 साल से लेके और 20-25 साल तक, और खासकर थोड़ा और शॉर्ट में करूं जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे एकेडमिक लेवल की, तो ये 15 से जो 20-22 तक के बच्चे हैं, इसमें ना हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे वो लाइक बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव होती हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, बहुत सी चीजें सही होती हैं, बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। हमें आइडेंटिफाई करने में एक तो बहुत टाइम लगता है और किसी को बहुत कम टाइम लगता है। कम इन द सेंस कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, अरे ये तो मेरे लिए सही है, अरे ये तो मेरे लिए बेकार है, राइट। वैसे ही काम आ जाता है अगर मोटिवेशन वाला पार्ट, जब हम किसी की वीडियोस देखते हैं, कहते हैं यस अब तो मैं 90+ ला के छोड़ूंगा, और सर ने बोल दिया अब यही करना है, सर ने एकदम टर्न, एकदम सर सही कह रहे हैं, मुझे यही करना है, मुझे फ्यूचर पे फोकस नहीं करना, क्या बनना है नहीं करना, मार्क्स पे देखना है। सडनली उन्होंने एक वीडियो देखी होती है कि बेटा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में क्या बनना है वो इंपॉर्टेंट है। अचानक उसके माइंड में एक रिकॉल आता है, हाँ यार ये जो सर है ये ज्यादा सही कह रहे हैं, जब तक गोल डिसाइड नहीं करूंगा मैं पढ़ूंगा कैसे, मार्क्स तो मार्क्स ला के क्या करूंगा। तो हम ना जजमेंटल बहुत है, बहुत सी चीजों का डिसीजन बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अंदर ना अपने अंदर कंसिस्टेंसी बिल्ड करिए। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन को भी कंट्रोल करके रखती है, इंस्पिरेशंस को भी कंट्रोल करके रखती है, और आपको एक्चुअली क्या करना है। देखिए क्या करने की डेफिनेशन ना टाइम टू टाइम बदलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज से कुछ टाइम पहले जो बच्चे कह रहे थे कि मुझे कोचिंग में जाके पढ़ना है, ऑनलाइन मुझे समझ नहीं आता, और बाकी वो कोचिंग में जाके अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, सडनली चीजें चेंज हो गई, अब उन्हें घर पे ही पढ़ना पड़ रहा है, वो बच्चे उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके घर से पढ़ रहे हैं। तो कई बार हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, राइट? तो वो बच्चे जो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में तो यही करना है, ये भी एक स्टक गलत है। हमेशा अपने पूरे पार्ट को, अकाउंट्स में जब आप जो बच्चे लाइक 11th के होंगे और कॉमर्स लाइक लेंगे, उनमें अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है, पीरियोडिक प्रिंसिपल, वो कहता है अपने लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। ऐसा ना हो कि आज आप बिल्कुल अकाउंटिंग कर नहीं रहे और 3 साल बाद आपने मन में आके चलो भाई अकाउंट्स चेक करते हैं, पता चला आपके पास करोड़ों का डेब्ट है, आप उसी टाइम दिवालिया घोषित हो चुके हैं। नहीं, इससे बेटर है कि आप छोटे छोटे पार्ट में 3-3 महीने में अपने आप को जज करें। वैसे ही अपनी लाइफ को, अपनी स्टडी स्किल्स को, अपने करियर पाथ को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करिए और उनमें एक मोटिवेशन ढूंढिए, उन चीजों से आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, और क्या करना है नेक्स्ट स्टेप वो एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहेंगे तो सभी बच्चे शायद मोटिवेटेड भी रहेंगे। मतलब एक बड़े गोल के साथ हमको शॉर्ट टर्म गोल्स भी रखने चाहिए उसमें। राइट राइट राइट, आपका एक बड़ा गोल है जो जिन टीचरों ने कहा कि गोल भी अचीव करना है वो, और जो टीचर्स कह रहे हैं कि बेटा नेक्स्ट पेपर है उस पर ही फोकस करना है, तो हमें कंप्लीट पैकेज के साथ शॉर्ट बनाना है पीरियोडिक में और उस पर काम करते रहना है। ओके
और मतलब इसमें लाइक हम जैसे बच्चे, मतलब अगेन सवाल वो है कि मोटिवेशन सर, जी मतलब कैसा है ना कि वो लोग, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हाँ अगर आप अपने पूरी लाइक कोई भी चीज आपने चुना, हर बच्चे का एक गोल रहता है। आप अगर 3 साल के बच्चे से ही पूछेंगे ना क्या बनना है, तो उसके सामने एक पुलिस वाले की तस्वीर होगी, क्या मुझे पुलिस बनना है ना, बिल्कुल पायलट की तस्वीर होगी, मुझे पायलट बनना है। गोल सबका डिसाइडेड रहता है। अच्छा हाँ, वो बदलते रहना एक अलग चीज है, लेकिन इस दौरान जब आप छोटे छोटे पार्ट में रखेंगे, तो आप अपने टीचर से, मान लीजिए हर एक का ना एक इंस्पिरेशन है। बहुत से बच्चे आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, जो आपकी बात मानते हैं, आपसे पढ़ते हैं, आपके अकॉर्डिंग होमवर्क करते हैं। तो वो बच्चे, किसी को भी अपना एक आदर्श मानना बहुत जरूरी है, और उनके बताए हुए रास्ते पे आपको हमेशा चलते रहना है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ शॉर्ट पीरियोडिक बनाइए, किस तरीके से अपने को स्मॉल गोल्स को अचीव करना है वो करते जाइए। आपका मोटिवेशन यही है। मोटिवेशन, कोई वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि डेली हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं एवरी डे। उसका हम 0.1% ही शायद याद रख पाते हैं, वो लोग जो वाकई रख भी पाते हैं, और जो रख लेते हैं 0.1%, जो दुनिया उसको महान मानती है। तो बिल्कुल 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना, इतनी वीडियोस, अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन डिजिटली एवरी स्टूडेंट आज के टाइम पे 180 मिनट वीडियोस देखता है। जी उसमें से जी मेरा ऐसा मानना है कि 30 मिनट वो मोटिवेशन का पार्ट देखता होगा, बाकी बिल्कुल फनी और सारी चीजें। जी, तो 30 मिनट में भी उसने कम से कम 7-8 वीडियोस अलग अलग देख लिए होते हैं। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातें होती हैं, और ये बात राइट है कि हम उन थॉट्स को बिल्कुल ले आउट करते चले जाते हैं। सो वो सब चीजें देखते हुए आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, उनको बताते हुए, उनकी बातें सुनते रहिए, और उनके साथ साथ एक बड़े गोल के साथ पीरियोडिक में काम करते चलिए। यही आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए। ओके सो मतलब उम्मीद है ये मतलब बच्चों सिंपल डेफिनेशन तो मैं ये कह सकता था कि लाइक वीडियोस देखिए, और उसको कोई कोई आपकी लाइक बुक है उसको पढ़ते रहिए, बुक्स को पढ़िए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी पढ़ने के दौरान, आधे घंटे की बुक। ये कोई नई बात नहीं होगी, सभी लोग कह रहे हैं ये चीजों को। मतलब थोड़ा सा ये आप शायद जो डिसिप्लिन बच्चे होना सुन रहे, पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आपको अपने गोल के साथ पीरियोडिक बांटना पड़ेगा, नहीं तो उन चीजों में बहुत दिक्कत आएगी। हर बार आप डिफरेंट डे में, आज जैसे मान लीजिए आज मैं सुबह लेट उठा, तो मुझे लग रहा है कि मेरा डे का प्लान ही खराब हो चुका है, अब मैं आज का दिन बेकार हो गया, अब कल से शुरू करेंगे, फिर कल से शुरू करेंगे। तो ये भी ना कहीं, कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड का एक पार्ट बन जाता है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट पीरियोडिक बना के उस पर काम करेंगे तो मोटिवेशन रहेगा। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पर सर एक ऐसा है कि मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसे हम ट्रेडिशनल जो लर्निंग टेक्निक जो अब तक हम फॉलो जी कर रहे थे काफी मतलब टाइम से, राइट 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 और राइट अब जो ये नया टेक्नोलॉजी से जो ये ऑनलाइन का जमाना आया है जिसमें यूट्यूब हो चाहे मतलब मोबाइल ऐप हो, कई सारे तरीके जिससे जी हम मतलब पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना एडवांटेज है और कितना डिसएडवांटेज है? देखिए, अभी जो बच्चे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, लाइक ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, सो आई थॉट कि उनको ऑब्वियसली लग रहा होगा कि यार टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम क्या करते, राइट। बिल्कुल लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम इस लॉकडाउन पीरियड को भूल जाते हैं, इसके बियॉन्ड जाके देखते हैं कि भाई ऑफलाइन भी कोचिंग भी चल रही है और ऑनलाइन भी सारी चीजें चल रही हैं। उस टाइम पे आप सोचिए तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या काम करती है। हमारे लिए लाइक जो टेक्नोलॉजी है वो समय, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आप सब चीज खरीद सकते हैं, बस समय नहीं खरीद सकते, है ना। बिल्कुल तो अपना समय जो गवा रहे हैं उस चीज को, तो टेक्नोलॉजी हमारा टाइम सेव करती है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे सर से पढ़ना था, लाइक एडू मंत्रा चैनल पे जाके, और सर की ही क्लास लेनी ऑफलाइन, तो किसी को आपको मुंबई जाना पड़ेगा। अगर कोई बिहार का बच्चा है, मुंबई ट्रैवल करके जाएगा, वहीं रहेगा, अपने फैमिली से दूर रहेगा, आपसे क्लास लेगा, फिर आएगा, है ना। जी लेकिन लाइक ड्यू टू टेक्नोलॉजी वो अपने घर पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं भी बैठ के किसी भी गांव में इंटरनेट के माध्यम से सर की वीडियो देख पा रहा है, और वो सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करवा रहे हैं, जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स उनको बताते हैं। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं टाइम सेव करती है। अब रही दूसरी बात कि क्या हम इसे अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई भी चीज जब नहीं आती, आपसे मैं बताऊं, लेट लाइक जब यूएस में, मुझे डेट याद नहीं है, जब रेडियो का जमाना खत्म हुआ, टीवी का जमाना आया, तो जो रेडियो के स्टार हुआ करते थे, तो उन्होंने कह रहे बेकार है टीवी, टीवी कौन देखेगा। जिन्होंने वो चीज एडॉप्टेशन नहीं करी वो बर्बाद हो गए, और टीवी बिल्कुल के नए सुपरस्टार्स आने लग गए हॉलीवुड में, बड़े बड़े स्टार्स बन गए। वैसे ही है, टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो आपको उसको एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। लेकिन यही है कि इसका इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंस कितना है हमारी लाइफ में, ये भी समझना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढते पागल हो जाते थे, क्वेश्चन पेज फोल्ड करके टीचर से पूछेंगे, अगले दिन का वेट करते थे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, आपकी कई वीडियोस होंगी जहाँ सीधे क्वेश्चन हाँ सॉल्व गूगल होंगे कर बच्चे, लीजिए हाँ डायरेक्टली मिल जाएगा उसमें आपको। गूगल कर लीजिए, आपकी वीडियोस की लाइक क्लासेस की वीडियोस होंगी, बच्चे जाके उस बिल्कुल वीडियोस को देखते हैं। एक बार समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर लिया, सर वही समझा रहे हैं, सर को आप पॉज कर सकते हैं,
जब कई बार हम क्लास में बैठे होते हैं और हम ऐसे हमारा थोड़ा सा ध्यान कहीं अपनी गर्लफ्रेंड घर यहाँ वहां दोस्तों पे गया नहीं कि 3 सेकंड 10 सेकंड का पॉज सर का निकल गया, अब लोग क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, नहीं अब 20 बच्चों में सर से पूछ भी नहीं सकते, सर दोबारा से बता दो, और पूछ लिया तो टीचर ने ब्लेम करना शुरू, ये देख लो इन नलायकों का हाल क्या कर रहे हैं, ये देख लो इनकी पढ़ाई, तो वो बुरा लगता था। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सर को 10 सेकंड पीछे कर सकते हैं, आप सर को 5 सेकंड रोक सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बेटर हो रही है कि आप इतने महान महान टीचर्स को बोल लेते हैं जो 2-2 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, उनको पॉज करके अपने पानी पी के फिर पढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाकई बेटर है। और एक डेटा मैं आपको बताऊं, जूम पे जो जिसके थ्रू हम अभी कर रहे हैं, 90,000 स्कूल्स आज के टाइम पे रजिस्टर्ड है, स्कूल्स पढ़ा रहे हैं जूम पे बच्चों, आप सोचिए। अब ये तो सिर्फ जूम का है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, इसके अलावा मैं वही जूम की सिर्फ राइट बहुत सारे, मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म पे हम अभी हैं, कि लाइक बच्चे क्या करते हैं, आज से 3 महीने पहले इसकी जो स्टैटिक्स थी कि 10 मिलियन लाइक यूजर्स है, आज 200 मिलियन यूजर्स है। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ेगी, लोग सोचेंगे लॉकडाउन के बाद सब खत्म हो जाएगा, नहीं, इसके बाद और बढ़ेगा, लोगों की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। हाँ, अब नया दौर आ रहा है इसमें, अब एक चीज बिल्कुल। तो एक ही मैं चीजें कहना चाहूंगा कि जो बच्चे डिजिटल को अगर नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको नई चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी, प्रैक्टिकल जो आप करना चाहते हैं वो चीजें नहीं मिलेंगी, तो आपको डिजिटली अडॉप्ट करना चाहिए इन चीजों। और आपने जो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जैसे जो अच्छे टीचर का एक्सेस जो है अब हर बच्चे को हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है अब, राइट, और एफोर्डेबल भी है। अगर मान लीजिए ऑफलाइन कोई चीजें अगर 100% थी, तो उसका अगर डिजिटल जाते हैं बच्चों को 10 रुपीज, मतलब 10% के रेशियो में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वो टाइम भी सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रहा है, सेम चीजें मिल भी रही हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी। और टीचर्स का भी एफर्ट उतना नहीं लग रहा जितना फिजिकल में लगता है, एक बार जो वीडियो शूट कर दिया तो कई कई साल तक बच्चे यूज कर रहे हैं उसको, राइट। हाँ, मतलब एफर्ट देखिए कह सकते हैं, ये भी चीजें, और हमें तो देखिए रोज पढ़ाना होता है, आपको भी रोज ही क्लासेस लेनी होती है। हाँ, लेकिन ये है कि हम अगर टीचर्स हैं, जहाँ हम पहले 100 बच्चों को पढ़ाते थे, अब हम वहाँ पे 10,000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, तो हमारा दायरा बढ़ जाता है इन चीजों में जी, और वो एक एज अ टीचर हमको बहुत अच्छा फील होता है जब हम ज्यादा बच्चों तक रीच कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक अच्छी फीलिंग है। सर जी, एक और एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में, दैट इज की जो मोबाइल को लेके या फिर ऑनलाइन गेमिंग जो चल रही है, उसका जो एडिक्शन है, मतलब मैं देख रहा हूँ और बहुत पेरेंट्स भी मुझसे ये आके, मतलब एज अ मेल के थ्रू या व्हाट्सएप में मुझसे क्वेरी करते हैं कि सर इसको कैसे, मतलब ये किया जाए, हैंडल किया जाए बच्चों का जो ये गेमिंग का एडिक्शन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं डिजिटल थोड़ा सा काम करता हूँ तो मैं इसको एज अ स्कोप मानता हूँ। जी, गेमिंग का जो करियर है वो बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोग गेम्स खेल रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन समझनी पड़ेगी एकेडमिक लेवल पे। एक होता है हैबिट और एक होता है एडिक्शन। हैबिट और लाइक एडिक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप फ्री टाइम है, इंटरटेनमेंट होना चाहते हैं, तो आप इस चीज को यूज करिए, अपना टाइम पास कीजिए और फिर अपनी स्टडी पे बाकी चीजों पे फोकस करिए, मतलब बैलेंस बेसिकली करना है। हाँ, और एक होता है एडिक्शन। हैबिट एक अलग चीज होगी, एडिक्शन में क्या है, आपका पढ़ने का टाइम है लेकिन आप गेम खेल रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, ये लेवल मैं जब तक क्रॉस नहीं करूंगा हिलूंगा नहीं, या सामने वाले को जब तक आउट नहीं कर दूंगा मैं आउट नहीं होगा, लगातार अपने गेम्स के टाइम को भी, एकेडमी के टाइम को भी लगे हुए, रात रात भर कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं गेम का बैठ के, है ना, तो इट्स कॉल्ड एडिक्शन। तो एडिक्शन और हैबिट के बीच में एक डिफरेंस बना के रखिए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप गेम को खेलिए, गेम आपको ना खेले, ये चीजें सबसे बड़ी समझनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स, आप सिंपल याद रखिए, आप अपने आप को टेस्ट करिए, मैं सभी स्टूडेंट को चैलेंज देता हूँ, टेस्ट करिए कि एवरी डे आज से लगातार 10 दिनों तक अगर आप रोज गेम खेलते हैं 2-2 घंटे, आप अपने आप से चैलेंज लीजिए कि सिर्फ 10 दिनों तक, उसके बाद भले 2 घंटे खेलने, 10 दिनों तक सिर्फ मुझे 20 मिनट गेम खेलना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो इसका मतलब वो हैबिट है आपकी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो एडिक्शन है, इस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब हाँ, ये तो एक बहुत, मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि, मतलब गेमिंग अच्छा स्कोप है, ऑब्वियसली अच्छा स्कोप है, बट वो एक अलग वर्ड है, देखिए वो एक अलग वर्ड है, बट एज अ स्टूडेंट मैंने आपसे कहा कि हैबिट और एडिक्शन, इसके बीच में डिफरेंस एज अ स्टूडेंट को रखना पड़ेगा, और जो मैंने आपको बताया बच्चों को अगर वो ये फॉलो करें तो शायद उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो भाई, जो लोग भी हैं जो एडिक्शन में पड़े हुए हैं, थोड़ा समझो, ऐसा नहीं कहता हूँ कि गेम मत खेलो, लेकिन उसको हर चीज का एक लिमिट बना के चलो, क्या सर क्या बोल रहे हैं, उसको हैबिट बना के चलो, उसको एडिक्शन मत बनने दो। बहुत बहुत बढ़िया। बाजी नाम की चीज, जब हम लोग थे ना, जब हमारे टाइम पे, जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे टाइम पे ना बाजी नाम की चीज होती थी, पतंग बाजी,
ये बाजी, बंदी बाजी, ये सब बहुत बाजी वाली चीज बड़ी खराब मानते हैं सब चीज करो बट बाजी वाली चीज मत करो। पतंग बाजी, पतंग में लगे पड़े बच्चे सुबह से शाम, कोई बच्चा लूट रहा है, लूटने बाजी में पड़ा हुआ है ना, तो बाजी वाली चीज खराब मानते थे। जैसे आजकल इसको मॉडर्न वर्ल्ड में एडिक्शन बोल सकते हैं हम लोग, इस चीज से दूर रहिए। चलिए बढ़िया है। और सर अब यहाँ पर एक और मतलब उल्टे पॉइंट से मैं बात करता हूँ कि काफी ऐसे बच्चे भी मतलब शिकायत लाते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है उनको बहुत स्ट्रेस करते हैं या बहुत प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई को लेके और चीजों को लेके, तो वो चीज कैसे हैंडल होनी चाहिए या फिर पेरेंट्स के लिए कोई अगर आपके पास मैसेज हो कुछ। देखिए आप अपने डे को ना 2 डेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो दिन आप खुद चाहते हैं, अगर आप जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं आप, अगर आप चाहें तो आपके पेरेंट्स एक दिन में एक बार भी कंप्लेन ना करें, आपको पूरा फॉर्मूला मालूम है अपने पेरेंट्स का। दूसरा अगर आप चाहें तो पूरे दिन भर वो कंप्लेन करते रहे और होता रहेगा काम। तो अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए और आप ना एक टाइम टेबल उसका ही बना लीजिए कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो क्या आपके पेरेंट्स आपको कंप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ने के अलावा जो मान लीजिए अगर आपने 6 आवर्स का टाइम टेबल बनाया है, 6 घंटे के अलावा जो बाकी के टाइम थे वो आप अपने खेलने कूदने सोने उठने दोस्तों से मिलने में बिता रहे थे, क्या उस टाइम कंप्लेन हुआ? नहीं, क्योंकि आपने 6 आवर्स की स्टडी करी। जब आप उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो वो आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कि बेटा पढ़ लो। और कई बार ना जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं दोस्तों से फोन पे बात कर रहा हूँ, चिल हो गया और भाई क्या चल रहा है उसका ये यहाँ वो, और अचानक मम्मी कहा तू पढ़ नहीं रहा, तो ना एकदम से डिटैच होता था, गुस्सा सा था, वो वर्ड हमें लगता इरिटेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में ट्रेन चले और वहां किताब लेके पढ़ रहे हो तो इरिटेशन होगी रेदर देन की शांत जगह में पढ़ने के। तो आप ये देखिए ना कि क्या आपने अपना वो टाइम एग्जीक्यूट किया जो आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। अगर हाँ ऐसा कुछ है, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज के टाइम पे ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो एजुकेटेड और जागरूक न हो चुके हों, वो बहुत समझते हैं अपने बच्चों को कि भाई प्रेशर देने से कुछ नहीं होता। वो आपके पेरेंट्स हमेशा रात को 9 बजे बैठ के इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल ऐसा देखते हैं और भांति भांति के पेरेंट्स वहां बच्चे आते हैं कि हमारे बच्चों को सब नालायक कहते थे, ये कहते थे, मुझे अपने बच्चों की वजह से मम्मी कहती थी मुझे डांट सुननी पड़ती थी और आज मेरा बेटा स्टार बन गया। तो मॉम को भी पता है कि जरूरी नहीं है एकेडमिक ही आगे, लेकिन हर चीजों का एक स्टेप है। अब आप बच्चा पैदा होते ही उसको बोले भाई इसको पढ़ाई नहीं, ये तो डांसर ही बनेगा, ये भी गलत है। हर चीजों का एक समय है, समय को साथ से चलिए, एकेडमिक लेवल पे एकेडमिक, अगर आपको स्टडी करनी है, गेम खेलना है, सब कुछ साथ लेके चलिए और आगे चल के जो दिल करे वो करिए, लेकिन पढ़ने का भी एक टाइम है। और आई थिंक हमें इस चीज को ब्लेम नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। रही एज अ पॉइंट ऑफ पेरेंट्स की बात, तो उनसे मैं यही सजेशन दूंगा कि जितने भी पेरेंट्स जो खासकर मैंने बच्चों को डील नहीं किया है, जो तकरीबन 10वीं से नीचे के बच्चे हैं, 8वीं 9वीं 7वीं को मैंने हमेशा 12 साल 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाया उससे आगे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, तो उन अगर ऐसे पेरेंट्स जो आपके हैं उनको उनके लिए मैं जो हार्डकोर सजेशन देना ही चाहूंगा कि बच्चों से रेदर देन की फोर्स करके मार के पीट के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उससे खुद ही बोलिए कि बेटा तू एक टाइम टेबल बना, दीवार पे लिख, और हमने चेकलिस्ट बनाते हैं कि आपने 2 to 4 hours पढ़ाई की, डन, नहीं की डन, नहीं की तो देख लो। और शाम को उसको रियलाइज कराइए कि बेटा देखो क्या आप पढ़ पाए नहीं, लेकिन आपने वो सारे काम कर लिए जो आपको करने थे एक्स्ट्रा अदर देन स्टडी, मतलब तो रियलाइज होगा। जी मतलब मेरे हिसाब से ये भी एक पॉइंट है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों को एज अ फ्रेंड भी थोड़ा ट्रीट करना चाहिए, और एज अ फ्रेंड बाकी चीजों में भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उनका होना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने पहला जो बहुत बड़ा सेक्शन लिया वो स्टूडेंट वाला था, कि सेकंड सेक्शन मैंने पेरेंट्स के लिए है कि चेकलिस्ट बना लीजिए, बच्चों के साथ डिस्कस करिए, और एज अ इंडियन कल्चर हम अपने बच्चों के साथ बहुत दिन लग जाएंगे फ्रेंड बनने में। मैं आपको ये बताऊं मतलब अभी भी हम वो फ्रेंड जोन वाला कभी शायद बहुत दिनों तक ना पाए, बिकॉज हमारा कल्चर कुछ ऐसा है और लाइक हमारी स्कूलिंग पढ़ाई हमारी ऐसी ही हुई है। वी आर नॉट अ पाथवे स्टूडेंट की पाथवे, और लाइक हम लाइक मॉडर्न स्कूल्स के बच्चे नहीं है, जीडी गोयनका के बच्चे नहीं है जहाँ लाइक फादर शाम को कहते हैं बेटा तुम्हारी स्कूल की कॉन्टी है तो दारू थोड़ा कम पियो तो वो मैंने तो ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं सर दिल्ली में। तो देखिए वो भी एक कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं, बट हमारी जो सभ्यता है जो हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये हमारा कल्चर एकेडमी की बच्चों और पेरेंट्स को दूरियां बना देता है। बट इन्हीं चीजों को हमें कंट्रोल करके पैरेलल वे में आगे लेके बढ़ना है, तो आई एम श्योर इस चीज को हम अच्छे से करें और यही चीजें हमें आगे दूर तक ले जाती है। क्या बात है, क्या बात है। चलो सर बढ़िया है, मेरे ख्याल से बच्चों का काफी जवाब जो है इसके अंदर मिल जा रहा है। इसी के साथ अभी एक सवाल सर और है, जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि 9th 10th 11th, मतलब आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम उम्र से ये जो लव अफेयर और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर जो है अब काफी चलन में है, मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नया है कुछ, बट अब काफी ज्यादा ये बहुत कम उम्र से देखा जा रहा है।
तो ये कैसे, मतलब कैसे हैंडल होना चाहिए, या फिर मतलब जो बच्चे इसमें फंस गए हैं अब क्या होगा सर उसके लिए, मतलब आप बताइए थोड़ा सा। देखिए सद्गुरु हैं जो आपने देखा, कई बार यूट्यूब पे उनको देखा होगा, तो वो कहते हैं कि ये चीजें ना हमारी लाइक गॉड गिफ्टेड है। लव होना, किसी के लिए फीलिंग आना, है ना, अट्रैक्शन होना। और जब हम बच्चे 7 साल की उम्र से जब वो आगे बढ़ते हैं ना, तो ये सब चीजें उनमें विकसित होना शुरू हो जाती है। जब आप 7 की उम्र से आते हैं, ये चीजें विकसित होना शुरू हो जाती है। और पेरेंट्स जो है वो बच्चों को उस चीज को के लिए दबाते हैं उस टाइम। बिल्कुल कभी आपने जब देखा होगा हमारे घर में, अगर अभी भी 7 साल के बच्चे, जैसे भी टीवी में कोई किसिंग सीन आ चुका है, पेरेंट्स फॉरवर्ड कर देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं ना, कि बच्चे को ये समझना है। बट बच्चा उस टाइम उन चीजों को देखना और ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है 7 साल की उम्र तक। आप केस स्टडी करिए, आपको यही मिलेगा। 7 से लेके 14 तक और हम ये चीज दबाते रहते हैं। और जब ये दबा हुआ रहता है बच्चे के अंदर, और जब वो 14 की एज में स्कूलिंग में बैठता है, 8th 9th में 10th में, तो उसको ये सब चीजें दिखती है, सामने गर्ल्स है बॉयज है, तो एक अट्रैक्शन जो है वो लाजमी है। बिल्कुल। लेकिन जब आजकल मैं मानता हूँ कि ठीक है, पेरेंट्स ने हमें नहीं होने दिया बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी शिक्षाएं ऐसी है, हमारा संस्कार ऐसा है, बट दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिजिटली अटैच्ड हैं। हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। आप बच्चे जब आप 17 साल के हो चुके हैं खुद, जब आप हर चीज को कहते हैं कि मैं खुद का डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मॉम मैं जानता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या बनना है, जब आप इतना वर्ड खुद बोल सकते हैं, तो आप इन चीजों में भी सही और गलत का अंदाजा लगा सकते हैं। लव अफेयर करना, किसी के लिए फीलिंग रखना, इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अपनी सेल्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए आप गलत गलत लाइक डिसीजन लेना, उसके लिए वन साइडेड लव, 24 घंटे मैसेज करना, उसको फोटोज भेजना, फोन पे 2-2 घंटे लगे रहना, क्या आप सब स्टूडेंट्स है, क्या ये सही है? आई एम श्योर आप खुद कहेंगे सर सही नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एडिक्शन बना जाता मतलब है। वो जो तो इस चीजों में उस लेवल में जो बच्चे पढ़े हैं वो खुद जानते हैं कि यार ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, जो उतने लेवल में है। हाँ, खुद खुद पता होता है उनको। आप ही सोच रहे हैं, बच्चों को पता नहीं होता, ये सबको पता है। हमारे टाइम पे आई थिंक आज से 10 साल पहले बच्चे प्यार हुआ नहीं कि शादी मैं इसी से करूंगा ये उस जमाने की कहानी थी। प्यार हुआ नहीं कि नाम लिखना शुरू हाथों पे, प्यार हुआ नहीं कि लेटर पूरी उसके साथ जिंदगी प्लान कर लेना। मेरे साथ भी हुआ है सर ऐसा। राइट 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 मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे और आपके साथ ये हुआ है। क्योंकि आज से 10 साल पहले ना तो हमारे पास लाइक ना यूट्यूब था हमारे पास, ना पता थी चीजें कहाँ से, वीडियो जो टीवी में दिखाया जाता था वही देखते थे, और टीवी में वो चीज दिखाई भी जाती है ना। आज नेटफ्लिक्स पे मारे इनकी गाली बकते, टीवी में कभी गाली थी नहीं, तो हमें लगा ये वाकई चीजें थी कल गलत है। तो मेरा कहने का मतलब आज के बच्चों को सब पता है, वो सब पता है कि भाई पहला क्रश है, पहला लव है, इसके शादी थोड़ी करनी है। शादी पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए आप, 99% बच्चे बोलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम फोन पे बात कर रहे थे, ये एडिक्शन है। आपको पता है इस चीज को कम से कम रखिए, क्योंकि ये उम्र अभी आपका कहते हैं ना वो एनर्जी आपको डिलीवर करनी है। इस एनर्जी को अगर आपने फोकस करके कहीं एक जगह लगा दिया तो वो चीज नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी। और लाइफ में एंजॉयमेंट है यार, जब आप इस स्ट्रेस से स्टडी से निकल जाए, सब चीज करिए, आगे घूमिए फिरिए, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और मतलब ये अब दो बातें हैं, जैसे दो टाइप के बच्चे हैं, जैसे कुछ अगर नेचुरली कुछ कैसे किसी फ्रेंडशिप में पड़ गए हैं या नेचुरली कहीं हो गए हैं, तो भाई आप उसको बैलेंस करिए। और अगर कोई है जो अभी मतलब नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन दोस्तों की प्रेशर में आके करना चाहता है, तो भाई कभी मत ट्राई करना ये सब चीज। सही है ना सर ये चीज? हाँ, मतलब सिर्फ दिखाना, शौकबाजी, वो सब चीजें, देखिए ये सब चीजें होती है, पर दिखाने के बहुत से तरीके हैं। आप क्लास में फर्स्ट आके भी तो दिखा सकते हैं, है ना? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने एकेडमिक लेवल में आप मंडे टेस्ट में अच्छे नंबर लाके तो दिखा सकते हैं। आप गर्ल्स को ऐसे भी इम्प्रेस कर सकते हैं, रेदर देन की अच्छे हेयर स्टाइल रखना और टिप टॉप बन के जाना। आप सब कुछ दिखता है, लाइक वेस्टर्न कल्चर देख लीजिए, वो टिप टॉप बन के थोड़ी लड़कियां पढ़ाते हैं। सो मेनी वेज, आप हर चीज कर सकते हैं। सही है सर। सर ये जो जैसे कि अभी हम गोल सेट कर लेते हैं, अब दो, अब ऐसा एक तो होता है कि काफी बच्चों को यही, मतलब काफी उम्र था, मतलब मेरे साथ भी हुआ कि हमें काफी टाइम तक यही पता नहीं होता कि सर हमारा गोल क्या है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये कि बच्चों को पता है या काफी लोगों को पता है कि मेरा गोल क्या है, बट उसके साथ साथ काफी सारा चीजें साथ में लेके चलते हैं। जैसे कि आजकल आप देख, आपने बताया ऑलरेडी कि डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, बहुत सारी, मतलब पेरेंट्स भी लगा दे रहे हैं। तो हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन अ सर्टेन गोल, जैसे बच्चे के पास अगर कुछ के मन में कुछ ने ठान रखा है तो उसमें कैसे वो फोकस्ड रहे, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए सर। देखिए दो चीजें, जैसा आपने बताया कि हमारे टाइम पे हमें क्लियर नहीं था कि गोल्स, ये बात राइट है। और ये गलती एक्चुअली हमारी नहीं थी, ये गलती क्या है कि अगर आप देखें तो करियर काउंसलर का काम होता है बच्चों को गाइडेंस देना।
बिल्कुल बच्चा आपकी अकेडमिक स्किल्स ये है, आपके सामने ये ऑप्शन है। जैसे अगर हमें, मुझे याद है 12वीं में हमें एक ही चीज मालूम थी, अगर अच्छे नंबर आए तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो कॉलेज के सपने छोड़ दो भैया, हम सीए वगैरह ट्राई करेंगे लाइक अदर स्किल्स, बस यही मालूम था। क्यों, कैसे मालूम? बिकॉज हमारा जो करियर काउंसलर था वो हमारा ट्यूशन टीचर था। बिल्कुल हमारा गोल उसकी तरह बनना था। ट्यूशन टीचर ने बोला बेटा सीए करना है, बेटा इंजीनियरिंग करनी है, बेटा ये करना है, तो करियर डिसाइड हो गया, अच्छा यही है बस, उसके अलावा हमें और ऑप्शन पता ही नहीं। क्योंकि उस टीचर को भी इतने ऑप्शन नहीं मालूम, लेकिन वो हमें पढ़ा रहे तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज समझती है। बट हर पर्सन हर चीज के लिए सटीक नहीं होता, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कहें कि अगर कोई, अगर एक मान लीजिए एक सर है जो मैथ्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं वो हिस्ट्री अच्छा पढ़ा था, राइट है? तो हमारे टाइम पे दिक्कत थी कि हमें कोई गाइडेंस सही से करने वाला नहीं था और ना हमारे पास कोई रिसोर्सेस है। लेकिन आजकल के बच्चों के पास इतनी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, क्या क्या स्कोप्स है, गूगल में जाके वो तुरंत सर्च कर लेते हैं क्या करना है, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, एग्जाम देना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन टेस्टेड पेपर। अब बात आ गई कि भैया मुझे एक चीज करना है, उसके साथ कैसे करें। देखिए जितने भी जैसे म्यूजिक सिंगिंग ये सब चीजें आपने कहा, ये उनको पहले डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। मान लीजिए म्यूजिक में जाना है, ठीक है सर, म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करिए। आपने टेंथ कर लिया, ट्वेल्थ कर लिया, ट्वेल्थ करने के बाद आपको लगता है कि आपको म्यूजिक में जाना है, म्यूजिक में जाइए, लेकिन बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी साथ में लेके चलिए। मतलब जो भी आपको चीजें करनी है अपना गोल डिसाइड करिए, उस पर ज्यादा फोकस्ड होइए रेदर देन बाकी चीजों पे। और दूसरी बात, एक जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट एक पार्टी में बैठे थे तो उनके सामने एक सज्जन आते हैं, वो कहते हैं कि सर यू बोथ आर द रिच पर्सन इन द वर्ल्ड, आप दोनों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, नंबर वन आप और नंबर वन टू, तो सर मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्होंने घूर के उस बच्चे को देखा, दोनों ने, तो बच्चा डर गया। तकरीबन दो मिनट तक अगर कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी सवाल पूछने के बाद ये घूर रहा हो आपको, तो वो डर गए, बच्चा डर गया एकदम से। उन्होंने कहा सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अमीर बनने का, मेरे रिच होने का यही सबसे बड़ा रीजन है जी, कि मैं दो मिनट तक तुमसे फोकस हो सकता हूँ। क्या तुम किसी भी चीज पे दो मिनट तक लगातार फोकस्ड हो सकते हो? और ये रियलिटी है। जब आप हमें लगेगा दो मिनट बहुत आसान है, आप जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं आप जाके चेक करिए कि आप किसी चीज के बारे में लगातार दो मिनट तक सोचिए, उस दौरान कोई और चीजें माइंड में ना आए, बहुत दिनों तक ये प्रैक्टिस करेंगे तो जाके होगा। बिल्कुल। तो फोकस रहने के लिए आपको एक प्रैक्टिस बिल्ड करनी पड़ेगी। 5 AM जो रॉबिन शर्मा की बुक है 5 AM क्लब, उसमें एक प्रिंसिपल है 21 21 21, कि किसी काम को लगातार 21 दिन तक करो तो वो हैबिट होना बिल्ड शुरू हो जाती है। तो आप जो भी चीज लाइफ में गोल सेट कर रहे हैं वो गोल करिए। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी होना जरूरी है, जैसे खेलना कूदना, लेकिन उसका एक टाइम है, टाइम टेबल बनाएंगे तो एक टाइम सर्टेन चीजें होती है कि भाई ये चीज भी मुझे करनी है। एकेडमी अगर सिर्फ पढ़ता ही रहूंगा तो मेरा हेल्थ ही ठीक नहीं होगा, एक्सरसाइज भी करनी है, जिम्नास्टिक भी जाना है, एथलीट भी बनना है, चीजें करनी है, लेकिन जो मेन चीज पे फोकस है उस पर लगे रहिए, उस पाथ पे हमेशा चलते रहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपने कई सारे ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, ठीक है, बट फिर भी मैं, मतलब बच्चों का जो डिमांड है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर बेस्ट टाइम टेबल, जैसे बच्चे जो 10th 12th के बोर्ड्स देते हैं तो उनके हिसाब से बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए? आप देखिए इस वीडियो में मैं प्रॉपर चार्ट वाइज थोड़ा समझाता, लेकिन मैं जस्ट एक नॉर्मली अगर मैं ओरली भी बच्चों को समझाना चाहूँ तो आप एक मेरा एक प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो आप, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और बाकी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, वो है नेक्स्ट डे टाइम टेबल। ओके, आपको अभी लॉन्ग टर्म टाइम टेबल कैसे बनाना है शायद इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन हम शॉर्ट टाइम टेबल पे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट डे गोल अचीव कर लिया आपने तो आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आज पूरे दिन मेरा निकल रहा है, इवनिंग जैसे ही आ चुका है, नाइट में सोने से एक घंटे पहले मैं एक लिस्ट लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डायरी हो सकती है, स्टूडेंट्स के पास एक डायरी हो सकती है, उस पेपर पे आपको ये चार्ट बनाना है कि नेक्स्ट डे मेरा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। Okay. उसको लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए 10-10 चीजें लिखी कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है ना, इंग्लिश पढ़नी है, ये इसके ये होमवर्क करने हैं, इसका ये पीपीटी वर्क करना है, इसका प्रोजेक्ट वर्क करना है, 10-12 चीजें लिखी। अब आपको 10-12 चीजों में, एक राइटर है फॉरन के, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जस्ट माइंड से रिप्लेस हो रहा है, उनका एक प्रिंसिपल है कि आप जैसे आपने 10 चीजें लिखी उसको आप ABCD पॉइंट्स में डिराइव कर, जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे ए लिखना शुरू कर, जो काम आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रदर देन ए, उसके आगे बी लिखिए, जो काम थोड़ा सा आज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आज नहीं भी हुआ तो चल सकता है, मैं इसको कल कर सकता हूँ, उसके आगे सी लिख दीजिए। उन 10 चीजों में 7 में आ जाएगा ए बी, 3 में आ जाएगा सी,
पूरे दिन भर में जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें शुरुआत करिए सब ए वाले पॉइंट से। आप ए वाले पॉइंट को खत्म करते जाएंगे, फिर बी पे आएंगे, अगर बी में भी टाइम मिला तो सी पे आएंगे, अगर सी का टाइम नहीं मिला तो वो नेक्स्ट डे ए में फॉरवर्ड हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि आप अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हो पाएंगे, यस जो मैंने चीजें बनाई वो मेरा कंप्लीट भी हो गया। क्योंकि सेटिस्फेक्शन, अगर मान लीजिए आपने 50 चीजें लिख ली और 5 चीजें कर पाए, आप सोच रहे यार काम ही नहीं हो रहा है, लोड हो गया, या आपने 10 चीजें लिख ली, राइट 10 चीजें लिख ली और 9 चीजें कंप्लीट कर दी और एक काम नहीं कर पाए, फिर भी आपको रियलाइज होगा कि अरे यार काम ही नहीं हो रहा, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, अल्टीमेटली फॉलो हुआ है, 9 चीजें आपने करी है ना। तो इसीलिए इसको चंक में डिस्ट्रीब्यूट करिए ए बी सी, और आपको देखना है कि ए वाला काम आज ही होना है, बी वाला उसके बाद, और सी आज नहीं हुआ तो कल करेंगे। आई एम श्योर बच्चे अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो है ये रिजिड टाइम टेबल ना बना के थोड़ा फ्लेक्सी रखें और उसको एकदम रियलिस्टिकली फॉलो करें। बन सकती हैं, देखिए मेरा एक पूरा एक पैकेज है इस चीज को बनाने का कि वो भी चीजें बन सकती हैं, लेकिन अभी इंस्टेंट अगर मैं बच्चों को टिप्स देना चाहूं तो आप ये वाला फॉलो करके देखिए, अगर जिन बच्चों को अच्छा लगे तो वो आगे भी आपसे पूछ सकते हैं और आगे भी मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल सर, मतलब काफी बच्चे हैं जो इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, मुझे लग रहा है बहुत काफी इफेक्टिव है। ठीक है, मतलब ये भी, ये जो है ये मैं भी काफी टाइम पे अपने टास्क के लिए करता हूँ। ग्रेट सर। हाँ मतलब ए बी सी डी नहीं लिखता, लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो वैसे ही जाती है, मतलब स्लो वैसे ही होता है। राइट हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रिंसिपल है, जैसे कि रॉबिन शर्मा का, टोनी रॉबिन्स का है कि लाइफ में ह्यूमन नीड्स सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, तो अपना एक प्रिंसिपल आपको बिल्ड करना है, अगर आप उससे बना रहे हैं तो और इससे बेटर क्या। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा आपसे मतलब एकदम पर्सनल टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि हाँ यूट्यूब के ऊपर जो, क्योंकि आप काफी टाइम से हो, काफी ग्रोथ हुआ है आपका, तो काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपना करियर की तरह, इसको फुल टाइम करियर की तरह देख रहे हैं, तो ये इसमें सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ टिप्स हो आपकी तरफ से, कुछ अगर ऐसा हो तो कुछ बता सकते हैं यूट्यूब पर। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। आप सोचेंगे मुझे यूट्यूबर बनना है, ये कहीं ना कहीं टेक्निकली रॉन्ग वर्ड है। अगर आप देखिए, अगर आप सही मायने में, जैसे आप है, आप भी तो एक यूट्यूबर है सर, आप भी वीडियोस बनाते हैं, किस चीज की बनाते हैं, आप बताते हैं फिजिक्स पढ़ाने की, राइट, आप वहां पर पढ़ाते हैं बच्चों को, राइट सर, तो आपके अंदर जो स्किल्स है उसको आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक लेके आ रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, यही बोल के आगे आ जाते हैं, बट करना क्या है यही नहीं पता। तो आपको ये देखना है कि जितने भी कैटेगरीज है, इसीलिए मेरा जो वीमे क्रिएटर पे मेरा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है चंक, कि 50 टाइप की केस स्टडी बनाई हुई है, कि अगर आप जब इन करते हैं यूट्यूब में, यानी कि वीडियो मार्केटिंग फील्ड, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, तो इनमें आप आएंगे तो आप करेंगे क्या। तो हमने 50-60 मॉड्यूल बना रखे हैं कि भाई आपको ये वाला पसंद है ये वाला करिए, ये नहीं करना ये वाला करिए, इसमें ये डिफिकल्टीज है, इसमें ये रिसोर्सेज है। कई लोगों को मान लीजिए लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करनी है, अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है, आपने देखा होगा फ्लाइंग बीस्ट, अब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, लाइक टूर करते हैं, तो उनके लिए ना वो चीज डे टू डे पार्ट है। अब एक बच्चा जो गांव शहर में रह रहा है, अब वो सोचे मैं लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, रिच लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, तो उसके लिए वो जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अपने गाँव के कल्चर को दिखा सकता है ना। तो हर चीजों में ये है कि आपको करना क्या है, वो रूट्स पहले हम बताते हैं, उसके थ्रू बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक वीडियो मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है आज के रेट में, इंडिया के 95% डिजिटल मार्केटर ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो वीडियो मार्केटिंग करनी है, क्योंकि वीडियो जो है वो लोगों को अवेयरनेस देता है, फिर इंटरेस्ट जगाता है, फिर उसकी डिजायर बढ़ाता है, फिर उसमें सेल्स करवाता है। जी हाँ, तो और आज के रेट में आपको बताया दी, तकरीबन इंडिया में 180 मिनट बच्चे जो है वो यूट्यूब में सिर्फ वीडियोस देखते हैं जी। तो ऑडियंस यहाँ बैठी है, तो आपको यही एंटरटेन करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक गोल बनता जा रहा है, और फ्यूचर वीडियो ही है पूरा, क्योंकि अभी जियो आ गया है, अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक जियो आर मर्ज हो चुकी है कुछ चीजों, कुछ टाइप्स पे, तो इन सब चीजों से बेनिफिट जो है वो यूजर्स को मिलेगा, एंड यूजर्स को जिनके पास सिर्फ मोबाइल है और उनके थ्रू वो एंडलेस चीजें कर सकते हैं। मतलब सर इसमें और एक चीज ऐसी है ना, कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो अभी से लाइक यूट्यूब में कनेक्टेड हैं या जुड़ चुके हैं, अभी से वो वीडियोस बना रहे, तो क्या वो अभी से बनाना ठीक है, या उनको मतलब एक 10th या 12th के बाद करना चाहिए सर? देखिए अभी से इन द सेंस की, मान लीजिए बहुत से, जैसे मान लीजिए मैं जब बचपन में था तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद थी, तो मैं अपने पढ़ाई के दौरान 2-2 घंटे में क्रिकेट खेला करता था। बट आज के बच्चे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उनको मान लीजिए टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है, कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, एप्स कैसे बनते हैं, वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बोला जाता है, स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को बना के रखिए जब तक आपकी एकेडमिक चीजें ना पूरी हो जाए, और धीरे धीरे जब ये चीज चलती रहे तो उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे। मतलब कि वही पैरेलली उसको आप डेवलप करते जाओ और जैसे हाँ आपको लगता है तो बिल्कुल बस। एकदम से, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, 3 साल के बच्चों को उसकी मैडम जूम पे क्लास पढ़ा रही है अब वो बच्ची जूम तो एटलीस्ट पहले से ही सीख जाएगी, जब वो 4th क्लास में 1 साल जब सही गुजारेगी बात, उसको जूम कह के टूल्स पता होगा। तो चीजें आपको समझनी है और आगे लेके चलना है बच्चों के साथ। एकेडमिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आजकल मेडिकल सेक्टर में कितना बूम आएगा, आफ्टर लॉकडाउन मेडिकल कॉलेजेस खुलना शुरू हो जाएंगे, हॉस्पिटल में डिमांड्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है लाइक मेडिसिन ड्रग्स इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वेंटिलेटर्स हो गए, ऐसी तो चीजें हो गई। हाँ ग्रोथ रेट जो है इस सेक्टर में वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो पहले कहते थे ना बच्चा जन्म लेता था तो लड़की है तो डॉक्टर, लड़का इंजीनियर, अब देखिए फिर से वही फिलोसफी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले बच्चा जन्म होता है तो इंजीनियर बनाना शुरू हो गया, क्योंकि भैया ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ऐप बना बना के फेसबुक जैसे मार्क जुकरबर्ग बन गए ये सब, जी सही तो बच्चा जन्म लेते ही बनाना है इसको CS, इसको लेना है ना कंप्यूटर बात है। साइंस में जाना है। और अब बच्ची जन्म लेती तो कहती बेटा जो करना है करो, फैशन डिजाइनर बनो, लेकिन अब बेटी जन्म होगी तो डॉक्टर बनना है। अभी फिर लॉकडाउन के बाद स्कोप, यही सिचुएशन चल स्कोप स्कोप डेवलप हो गया रही फिर है सर से। से, जी हाँ हिस्ट्री डिवाइड होती है तो वही चीजें हैं सर। चलिए बढ़िया है। चलिए सर अपने काफी, मतलब मैंने जो सवाल लाए थे मुझे लगा था कि मतलब काफी ऐसे सवाल होंगे, लेकिन आपने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। ये और देखिए सर मेरा ये प्रोफेशन है, देखिए मैं सच बताऊं मैं ये मेरा प्रोफेशन 12 साल मैंने बच्चों को, जो बच्चे यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हैं उनका इनके लिए धन्यवाद, आपने इतने मिनट हमें झेला और मैं ये कहूँगा कि मेरा प्रोफेशन जो करियर रहा है वो 12 साल पढ़ाना 1-to-1 क्लासेस और ग्रुप क्लासेस में जाके लिया है मैंने, भांति भांति के बच्चे पढ़ाए, खुद मिडिल क्लास बच्चा निकला, खुद ग्रुप की क्लासेस अलग होती थी, और जिनको मैं पढ़ाने आता था उनका एक बैकग्राउंड फैमिली जो एनवायरमेंट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट था, तो वो कल्चर सीखने को मिला, दे ऑल आर रिच, उनके बच्चे पढ़ाए मैंने, तो वो सब चीजें सीखते हुए फिर मैंने जब डिजिटल आया तो यहाँ भी पढ़ाना शुरू किया, तो ये मेरे लिए ना एक डे टू डे पार्ट था। मोम आती थी सर देखो ये पढ़ नहीं रहा इनका क्या करें, बच्चा सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये सब सवाल मेरे साथ हमेशा चलता रहा, तो ये लाइफ का पार्ट है सर। सर इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मतलब इनवाइट किया, यही इसीलिए, बिकॉज बच्चे भी काफी चाहते थे कि थैंक यू एक। सो मच सर, थैंक यू सो हाँ मच। जी, तो सर मैं आप ये भी चाहूंगा अपने ऑडियंस से कि आपके जो चैनल्स हैं आप थोड़ा बता दीजिए, जो भी आपके चैनल्स हैं फिलहाल जो आप अभी रन कर रहे हो, एक तो ओके ओके टेक्निकल महा। मेरे 2 चैनल्स हैं, एक तो महात्मा जी टेक्निकल है जिसपे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेल्फ हेल्प के लिए उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं, कि किस तरीके से वो अपनी एकेडमिक लाइक स्किल्स पे काम कर सके, अपने टाइम टेबल को सही तरीके से फॉलो लाइक कर सके, और सेल्फ हेल्प फॉर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की ऑल ओवर ग्रूमिंग कैसे हो वो उस चैनल पे मैं प्रॉपर वीडियोस डालता हूँ। और दूसरा एक लास्ट 2 साल से मैं चैनल चला रहा हूँ जिसका नाम है वीमे क्रिएटर्स, जहां मैं बच्चों को डिजिटली आने के लिए अप्रोच करता हूँ कि किस तरीके से आप डिजिटली अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बच्चों को चीजें सिखाई जाती है। जी बहुत बढ़िया। तो सर मैं मतलब अपने व्यूवर्स के साथ जरूर चाहूंगा कि आप लोग सर का चैनल देखिए, और मतलब काफी बच्चे ऑलरेडी हैं सर, थैंक यू, मतलब थैंक मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे जो यू सो नाइन्टी मच, परसेंट बच्चे हैं वो आपके ऑलरेडी मतलब फैंस थैंक रहे हैं, यू ठीक सर, है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अब मेरा सर से सवाल है, सर तो बहुत सवाल पूछ रहे थे, अब एक सवाल बच्चों की तरफ से आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो आपके चैनल पे बच्चे पूछते हैं कि आप पढ़ाने के दौरान जब गुस्सा हो जाते हैं तो आप इस चीज को कंट्रोल कैसे अभी करते हैं? अभी सर ये जो इंसिडेंट आप जो बता रहे हो ना, मतलब अभी मेरे एक लाइव कोर्स में हुआ था बीच में, दोस्त जी 3-4 दिन हो गए। तो मतलब उस चीज को तो एक्चुअली जैसे आप बता रहे हो कि हम जब एक्सपीरियंस जब होता है सब चीजों का ना, तो हैंडल करना आ जाता है। और अब जो एज वाली लर्निंग है इस वाले में गुस्सा और ऐसी चीजों का टीचर की लाइफ में तो नहीं, मतलब एज फॉर अ स्टूडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। तो मैंने मतलब वो ओके हैंडल करना सीख लिया है विद एक्सपीरियंस, मतलब अगर आता भी है तो भाई उसको फिर उतार देना है। तो ये चीज चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, थैंक ओके सर, तो मैं आप इतना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। मैं मतलब सभी बच्चों की यू तरफ सो से भी मच, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, एंड मैं ये चाहूंगा कि इसी तरीके से आप आते रहिए, अभी कोई अगर और जरूरत पड़ी तो आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। बिल्कुल श्योर श्योर, जब भी जरूरत पड़े सर अब मैं हमेशा बच्चों के लिए हूँ, और आप बिल्कुल बुला सकते हैं, ओके सो गाइज, थैंक यू। जी सर, तो गाइज ये थे हमारे साथ टेक्निकल महात्मा, महात्मा जी टेक्निकल, ठीक है, अमरीश सर, और काफी अच्छे मोटिवेटर हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में इनके बारे में बताया है, आप जानते हो, ठीक है। और
आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हमारा कॉन्वर्सेशन जो भी चीजें थी वो आपको कैसी लगी, और कोई बातें हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम फिर सर को लाएंगे ठीक है जब जरूरत पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलिए बाय बाय।